नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजी पॉक प्राइवेट लिमिटेड में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में शॉपिफाई के वेबसाइट को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को ही आगे करते हुए कंटिन्यू हम आज जो है लेके आएंगे कि वेबसाइट का जो थीम है उसमें कैसे कस्टमाइजेशन किया जाता है और उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं और बेसिक सेटिंग्स वगैरह क्या होती हैं, ये सारा कुछ हमने देख चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको अभी तक की जो वीडियो हैं वो समझ में आ रही हो। अगर कुछ वीडियो नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो पर डायरेक्ट अगर आते हैं तो हो सकता है चीज़ें क्लियर ना हो। बहुत सारे लोगों को केवल और केवल यही टॉपिक चाहिए होगा कि थीम में कैसे सेटिंग करते हैं, तो वो तो ठीक है, वो तो समझ सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी बेसिक नहीं पता कि शॉपिफाई पे कैसे काम किया जाता है, तो वो लोग ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखें जिससे कि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ पाएँ, उसके अकॉर्डिंग कर पाएँ। क्योंकि यहाँ जो ये प्लेलिस्ट होगी, इस प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप बेसिक हमें कोई प्रोडक्ट है तो उसको रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें ही एडिट करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें छोड़ देनी है, वो सारा मैंने डिस्कस किया है। तो इसमें बहुत सारी इधर उधर की एक्स्ट्रा चीज़ों को कवर नहीं करा गया जो कि हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज होते हैं सब, तो मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। केवल और केवल उन्हीं चीज़ों पर टारगेट किया है मैंने जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हर किसी को अच्छा लगता है, यूट्यूब पर कोई भी अगर वीडियो बना रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि उसके जो भी चाहने वाले हैं, जो भी उसके व्यूअर्स हैं, वो केवल वीडियो ना देखें, उसको लाइक भी करें अच्छा लगने पर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं भी। तो ठीक है, अब लोग फिर स्टार्ट करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि आप देख रहे हो ये होम पेज है आपका शॉपिफाई का। अब डायरेक्ट हमें जंप करना होगा ऑनलाइन स्टोर वाली टैब में और जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ यूँ इस टैब से पेज ओपन होके आता है। यहाँ पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, यहाँ पर आप जो भी थीम चाहो उसको कर सकते हो। और अगर मान लो कुछ इन थीम में से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये विजिट थीम स्टोर करके आ रहा है ना, विजिट थीम स्टोर, ठीक है, विजिट थीम स्टोर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो शॉपिफाई की जो भी थीम्स हैं वो यहाँ पे सारी ओपन होके आ जाएंगी आपके पास। तो अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सी थीम आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन है फ्री और पेड थीम का, है ना, तो वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको एकदम से सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पेड थीम पर जाओ। फ्री थीम, यहाँ पे 11 थीम दे रखी हैं जो फ्री हैं, फ्री में ही सारी थीम्स हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगती है वो कर सकते हैं। बट ओवरऑल कहा जाए तो थीम में आप कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि इमेजेस आप ये यूज़ नहीं करने वाले हो, प्रोडक्ट आपके खुद के होंगे, तो आप कोई भी थीम यूज़ कर लो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे इससे। तो ज़्यादा इस चक्कर में ना पड़ो, सीधे जाओ और जो थीम है अपनी उसी पे ही आगे काम करना स्टार्ट कर दो। फिलहाल मैंने यहाँ पे ये रिफ्रेश वाली जो थीम है ये इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसी में ही एडिटिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो कोई भी थीम आप चूज़ कर लो जो भी आपको लगे कि हाँ ठीक है। ठीक है, चलो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ जाएंगे कस्टमाइजेशन पे, क्लिक करते हैं कस्टमाइजेशन पे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे खुल के आता है पेज। यहाँ आपका फर्स्ट सबसे पहले जो आ रहा है ये आ रहा है आपका हेडर, हेडर के बाद आपका ये बैनर सेक्शन आता है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं बैनर वाले, तो यहाँ पे आपको इमेज चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप कोई भी इमेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज इमेज का ऑप्शन आ रहा है ना, चेंज कर दिया। फिर आ रहा है हेडिंग का, तो जैसे किया विंटर सेल इज़ लाइव, तो यहाँ से आप जो भी कुछ लिखना चाहें, हेडिंग का साइज क्या रखना है वो डाल दिया, और ट्रेंडिंग हो डीज, ये सब हेडिंग है वो हो गया, शॉप नाउ का बटन हो गया, और शॉप नाउ के बाद ये बटन लिंक है कि ये क्लिक करने पर कस्टमर कहाँ जाना चाहिए, तो वो लिंक यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करते ही वो वहीं पहुँच जाएगा। शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, कहाँ कहाँ डेस्कटॉप पे शो करना है नहीं करना है, और डेस्कटॉप कहाँ पर है कंटेनर
कहाँ शो करना है वो सारा है। उधर ये साइड में आने लगा, देखो सेंटर में आ जाएगा और ये राइट सेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि ना भी आए तो वो भी किया जा सकता है, ओपेसिटी बैक देखिए पीछे वाली इमेज कैसी दिख रही है वो है। इसको चेंज करने से आपकी पीछे की इमेज का जो ट्रांसपेरेंसी है वो कंट्रोल हो रही है। ये कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं बस इसमें, थोड़ा सा मुझे यही थोड़ा सा लगता है शॉपिफाई में कि एडिटिंग के ऑप्शंस जो है ना वो लिमिटेड हैं कुछ। इसको फिर और डिटेल में करने के लिए आपको कोडिंग में जाना पड़ेगा, या फिर कुछ और कुछ जैसे पेड जो बिल्डर्स आते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। चलिए और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं वो भी। यहाँ से आप ये देखो चेंज हो रहा है कलर, इनवर्स देखो चेंज हो गया, बैकग्राउंड के हिसाब से वाइट हो गया। तो जो भी कलर आप यहाँ से लेते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूँ कुछ दिखने वाला है, देखो यहाँ से आप देख रहे होगे। इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यूज आउटलाइन बटन स्टाइल, तो यहाँ से इसमें आउटलाइन आएगा कुछ इस तरह दिखेगा ये। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों ना हम इस इमेज में ही डायरेक्ट लिंक दे दें तो बेटर है। हम इसको हेडिंग को हटा ही देते हैं यहाँ से। नहीं हटाई दिया ठीक, देखो यहाँ से जैसे क्लिक करा वैसे ही वो यहाँ से हट गया। बट अब ये है इसका मोबाइल व्यू कैसा है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मोबाइल व्यू की आ रहा है डेस्कटॉप व्यू भी है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि मोबाइल व्यू में चीज़ें अलग हैं और फ़ोन में अलग हैं, तो हमें कुछ फिर से वहीं जाना पड़ेगा और वापस जैसा लिखा था वैसे लिख देते हैं। और हमें एक छोटी सी चीज़ करनी होगी, क्या मैं बताता हूँ मैं आपको। ये अंडू करके मैंने चीज़ें वहीं की वहीं कर दी। अब हमें क्या करना है, ये वैसे ही एज इट इज़ लिखा रहने देना है और बस इसको यहाँ से क्लिक करके मिडिल शो ऑन डेस्कटॉप इसको चेंज कर दो, बस यहाँ से ये हट जाएगा। स्टेप से इसको हम सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद इसमें आप एक से अलावा भी इमेजेस दे सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही इमेज सेट है, इसमें आप और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इमेजेस, फिर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, स्टेप से आप इसमें और भी जितना चाहें अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है डिस्क्राइब्ड योर फीचर कलेक्शन। यहाँ पर हमने जो कलेक्शन है एक तरह से कह सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट डालने हैं कौन से नहीं डालने हैं। अब यहाँ पर कलेक्शन क्या है, ऑल है, तो जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, सारे शो करेंगे। इसको देखते हैं कितना आ सकता है, देखिए ये बढ़ गया ज़्यादा। अब इसमें जितने चाहें आप उतने उतने शो कर सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम जो है एक नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप, तो कॉलम कितने आ रहे हैं देखते हैं डेस्कटॉप मोड पे, 1 2 3 4 12 तक जाना है ना, 12 प्रोडक्ट आएंगे इसमें।
व्यू ऑल कलेक्शन। इससे क्या होगा कि नीचे बटन आपको व्यू ऑल, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो क्राउजल मोड ऑन हो जाएगा, स्लाइडर की तरह इमेजेस जो हैं वो दिखेंगे। यहाँ से आप इसका ये बैकग्राउंड की जो थीम है ना उसको चेंज कर सकते हैं। अब इमेज का रेशियो देखना है कैसे रखना है, हम स्क्वायर में रखते हैं, स्क्वायर में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ कर देते हैं शो सेकंड इमेज ऑन होगा, जैसे कोई लेके जाएगा तो वहाँ पे अगर सेकंड इमेज पड़ी होगी तो वहाँ सेकंड इमेज दिखाएगा। यहाँ क्लिक कर देते हैं प्रोडक्ट रेटिंग पर, तो रेटिंग भी साथ में शो करेगी अभी फिलहाल, क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है तो उसमें रेटिंग का तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ से क्या करते हैं शो कॉलम बन, अब एक भी सिंगल इमेज दिखाने लगा है, पर ये कुछ और लग रहा है यार, दो, जबकि ये दो भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा, यहाँ पे दो ही इमेज दिखा रहा है। अब दो इमेज के बाद देखो टेक्स्ट कितना बड़ा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें सही नहीं लगी मुझे। ये स्टेप से मोबाइल में आपके शो करेगा कुछ, तो सेव कर देते हैं। फिर से अपने चलते हैं डेस्कटॉप मोड पे, ये वाला सेक्शन हमने कर दिया, करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जो अपने अकॉर्डिंग उसमें डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहें तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है, मतलब यूजेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई एक कोई सिंगल प्रोडक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आएगी इमेज आपकी, तो यहाँ से कोई प्रोडक्ट लेके उसकी इमेज लगा देते हैं। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने ये इमेज ले ली, ओवर साइज टी शर्ट। अब ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं। काफी बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करते हैं और छोटा करो। ट्रेंडिंग ओवरसाइज टी शर्ट्स, अब यहाँ पर शॉप का बटन है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन वाला टैब है ये डिस्क्रिप्शन का टैब है, तो यहाँ पर चॉइस आपकी है, आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड,
दे सकते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो यहाँ अगर छोड़ देते हैं तो ये बीच वाला ऑप्शन जो है चला जाता है फिलहाल, मतलब दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ हमने ये इमेज सेट कर दिया, सेलेक्ट इमेज जो है काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ करने से कुछ नहीं, अडेप्टिव इमेज जैसी इमेज है वैसी लेने स्मॉल, ये हो गया। तो इस टाइप से दिखेगा डेस्कटॉप इमेज प्लेसमेंट, इमेज फर्स्ट इस टाइप से कर सकते हैं। तो इमेज इधर हो गई और कलेक्शन उधर हो, लिखा हुआ जो है वो टेक्स्ट इधर का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसा बीच में चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं ओवरलैप की जगह पे नो ओवरलैप कर देते हैं, अलग अलग शो करेगा। और कलर फिर यहाँ से क्या चेस करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर और नीचे क्या जगह छोड़नी है उसके लिए टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग, इसके थ्रू आप जगह जो नीचे देखिए ये वाली जो थोड़ा सा स्पेस बढ़ रहा है ना, देखो देखिए ये वाला जो स्पेस है यहाँ से ये कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए भाई, जगह की ज़रूरत हमें है ही नहीं, इतना ही काफ़ी है ऐसे। अब एक थोड़ा सा काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, हल्का सा छोटा लग रहा है कुछ, ओके मीडियम में कर देते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से है, चाहो तो यहाँ पे और लगा सकते हो, ठीक है। फिर अगेन हम इसमें किसी अदर टाइप की टी शर्ट को लेते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं अपलोड और उठा लेते हैं कोई इमेज। चलो ये लेते हैं ये वाला, मतलब साइज कुछ बड़ा है इसका, इसकी इमेज की साइज जो है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो तुरंत का तुरंत कर ही देते हैं लगे, हाँ पेंट में चल के, वीडियो कुछ लंबी हो रही है तो चाहिएगा नहीं। ये रहा देखो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया कुछ इमेज, इसको कर देते हैं 1000, 4 क्या 1500 कर देते हैं, चलिए ठीक है। और इमेज छोटी हो गई आई थिंक, अब ये सही होगी, सेव कर दिया हमने। अब डालते हैं यस, इमेज जो है वो आ चुकी है, बड़ी इमेज अभी फुल नहीं आ रही है, देखते हैं इसमें फुल करने के लिए क्या किया जा सकता है, फुल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा भैया फुल का ऑप्शन, इसको इसका मतलब इसी रेजोल्यूशन में हमें इमेज यहाँ डालनी पड़ेगी। चलो हम तो हैं इसीलिए आज सारी टेस्टिंग ही हो रही है। अब इमेज फर्स्ट को इमेज सेकंड कर देते,
क्योंकि इधर हमने इमेज फर्स्ट कर दी थी, अब इधर करते हैं इमेज सेकेंड। और इमेज हमें ये चेंज करनी पड़ेगी, इसके लिए ये फिट नहीं बैठे। यहाँ से करते हैं चेंज इमेज पे क्लिक, ओपन। चलिए ये डिजाइन देते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ। यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, इमेज कैसे हट गई सिलेक्ट। हो गया, ठीक। दो आपने एक तरह से इमेज सेट कर दी। इसी टाइप से आप बहुत कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तो अभी मैंने जस्ट एक इमेज सेट करना सिखाया आपको, ठीक। और यहाँ इसको कॉलम को डिलीट करें, ज़्यादा किसी बहुत ज़्यादा ठेढ़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। इतना करने के बाद ये आपका आ गया जो फीचर कलेक्शन है। यहाँ आपने दो इमेजेस बीच में डाल दी, ये फिर से आ रहा है तो इसको हटा देते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। इंट्रोड्यूस योर ब्रांड, यहाँ पे आप अपने ब्रांड जो भी ब्रांड है उसके बारे में कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉग का पोस्ट है वो ऑटोमेट फेच हो जाएगा, न्यूज़ में से कर सकते हैं। कोई भी नया टी शर्ट डाला है, टी शर्ट के बारे में कोई भी पोस्ट वगैरह डालते हैं तो वो यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये है हमारा फुटर, फुटर में हम कैसे शो करना चाहते हैं, यहाँ कर देते हैं इसमें ईमेल सब्सक्राइब के लिए। यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो ईमेल के थ्रू वो हमें सब्सक्राइब कर सकता है। सोशल मीडिया आइकन्स, यहाँ सोशल मीडिया आइकन्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे उस पर, जब कोई क्लिक करेगा तभी आएगा वो। जहाँ से फोटो सेलेक्ट हो गया, यहाँ आपने प्रोडक्ट डाल दिए हैं। और इस स्टेप से आपका जो होम पेज है वो लगभग सेट है, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज और भी कर सकते हैं। इसको जो भी चीज़ डालने का है कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से थीम सेटिंग, कलर में क्या चेंज करना है, जैसे सारे कलर्स वगैरह आ रहे हैं तो सोशल मीडिया आइकन कैसे रखने हैं, टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट वगैरह क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है फॉन्ट का, तो यहाँ से फॉन्ट का साइज़ जो है तो छोटे कर दिए हैं देखो, ठीक है वो भी छोटा करो। तो यहाँ फॉन्ट जो आ रहे हैं फॉन्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे रखना है।
बॉडी का फ़ॉन्ट कैसे रखना है, और यहाँ से चाहो तो आप हेडिंग है ना, हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट सा, ये भी बड़ा हो जाएगा, देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बोल्ड में हो गया, ठीक है। लेआउट, लेआउट कैसे रखनी है, ये पेज की जो लेआउट है टोटल वो है वर्टिकल स्पेस बिटवीन सेक्टर्स, यहाँ से आप वर्टिकली जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे। ग्रिड आफ्टर एरिया विद मल्टीपल कॉमन, इसको कम कर देते हैं थोड़ा, ना ये देखो कम हो गया। बटन का देखते हैं, बटन बटन्स हैं हमारे ये, जैसे भी ये बटन है, अब इसके थिकनेस कम हो गया, अब इससे थिकनेस हम बढ़ा सकते हैं, देखिए थिकनेस हो गई, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितना आपको रखना है, ठीक है। ओपेसिटी कॉर्नर्स, शेडो, इसमें शेडो देने के लिए, क्योंकि शेडो आ गई थोड़ी सी है ना हल्के से। हॉरिजेंटल ऑफसेट, ये अब किस एंगल पर शेडो रखनी है, देखिए वो शेडो इधर को चेंज हो चुकी है, ब्लर करना है क्या, पीछे का ब्लर हो गया, ठीक है, काफी ठीक लग रहा है। बटन का हो गया, वेरिएंट पुल क्या है ये, अच्छा वेरिएंट्स कैसे दिखने वाले हैं, है ना, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करके एक बार देखते हैं कि वेरिएंट्स, एक तो देखो ये नाम काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसको नाम को कैसे छोटा करना है, टेक्स्ट टाइटल, देखिए इसमें क्या है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, जैसे कि आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जैसे ये साइज़ है इसका, अब ये साइज़ इतना बड़ा है कि बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है ना, तो उसको कैसे चेंज करना है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाले में जाते हैं, वेरिएशन ये देखो, तो ये चीज़ ये थिकनेस वगैरह जो है वो यहाँ से चेंज होती है, इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। रेडियस वगैरह प्रॉपर है, शेडो 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 थोड़ा सा शेडो डाल देते हैं, ऑपेसिटी ठीक है। इनपुट्स, इनपुट्स का ठीक है, कोई बात नहीं, इनपुट इनपुट सेक्शन, प्रोडक्ट कार्ड, कलेक्शन कार्ड, अभी कलेक्शन वाले टैब में दिख रहा होगा, सोशल मीडिया सर्च, फेविकॉन करंट फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, तो ये थीम की सारी सेटिंग्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत है कि यहाँ पर थीम की जो सेट पूरी सेटिंग्स है ना वो एक ही साथ में दे रखी है, यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस इनको देना चाहिए,
प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मान लो आप टाइपोग्राफी में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं ना, तो ओवरऑल पूरी थीम में, चाहे वो होम पेज हो, चाहे प्रोडक्ट पेज हो, कलेक्शन पेज हो, कोई भी पेज हो, वो सब पे एक साथ ही कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फीडबैक पॉजिटिव नहीं लगा मुझे इनका, तो यही है। चलिए आगे इसका और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।